तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ग्रुप फोर के एग्ज़ाम से रिलेटेड। ग्रुप फोर का एग्ज़ाम आपको पता है कि अभी लास्ट आपका हुआ था लास्ट ईयर, उसके बारे में अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आपके उससे पहले अब दो चुनाव आ चुके थे, आपका विधानसभा और अभी फ़िलहाल आपका लोकसभा चुनाव चल रहा है। तो उस टाइम आपकी लास्ट अगस्त में आपकी एग्ज़ाम हुई थी 2023 में। उसके बाद आपका जो अभी कैलेंडर अपडेट हुआ था या न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि उसमें लिखा था कि ग्रुप फोर का एग्ज़ाम आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आपका ग्रुप फोर का एग्ज़ाम हो सकता है। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका ग्रुप फोर का एग्ज़ाम इस साल होगा या नहीं होगा। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्रुप फोर के एग्ज़ाम के बारे में। ग्रुप फोर का एग्ज़ाम आपका अगस्त में हुआ था 2023 में, ठीक है। उसकी जो अभी तक ज्वाइनिंग वॉइनिंग अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, अभी तक उसका रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सिलसिला वो लगातार हर डिपार्टमेंट में आपका चल रहा है। अभी तक उसकी कोई भी ऐसी एग्ज़ाम नहीं हुई है। एग्ज़ाम ना होने का जो है अब जो है कि अब एग्ज़ाम अब कब होगा वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी जो लास्ट जो एग्ज़ाम हुई है उसकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ज्वाइनिंग होगी उसके बाद फिर डिपार्टमेंट से अलग अलग डिपार्टमेंट से जो रिक्त पदों की जानकारी ली जाती है वो जानकारी फिर आपके पास पीईबी के पास जाएगी। पीईबी से वित्त विभाग से पहले वहाँ से पास होगी, फिर पीईबी के पास जाएगी। ऐसे करके सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन होने के बाद आप फिर पीईबी कैलेंडर जारी करता है, उसका नोटिफिकेशन जारी करता है। तो ग्रुप फोर का जो एग्ज़ाम है वो आप मान के चलिए इस साल तो आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका 4 जून को लोकसभा चुनाव है जो ख़त्म होगा। उसके बाद जितनी भी ज्वाइनिंग पहले अटकी पड़ी है उन सबको नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्तियाँ देने के बाद फिर आपके ये आगे की प्रोसेस होने वाली है। फिर उसके बाद आपके जितने रिक्त पद है अलग अलग डिपार्टमेंट में वो जानकारी जुटाएंगे। जानकारी से फिर वित्त विभाग से आपका जो है वहाँ से क्लियर होगा। फिर क्लियर होने के बाद फिर पीईबी में जाएगा। पीईबी में जाने के बाद फिर नोटिफिकेशन पे चर्चा होगी, फिर नोटिफिकेशन उस प्रकार से जारी होगा। तो बहुत लंबी प्रोसेस है। तो इस साल तो आप मान के चलिए आपका ग्रुप फोर का एग्ज़ाम नहीं होगा और नहीं होने वाला है, क्योंकि आप खुद एक देखें आप तो आपको मालूम चल जाएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आप अच्छे से कुछ दूसरी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हो, एनवीएस की हो सकती है या फिर रेलवे की तमाम प्रकार की वैकेंसी निकली उसके लिए भी आप पढ़ सकते हो। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।